चलिए लेट अस कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 वी वर डूइंग. वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? So हमारे पास जो कैनाल है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप उसमें पानी 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से the water is flowing. So the width and the depth of the canal, it is given like this. Width is 6 meter and depth is 1.5 meter. And the speed of water, this is given to be 10 kilometer per hour. 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड फॉर द इरिगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, हमने ये फाइंड करना है कि इस कैनाल में से 30 मिनट्स मींस हाफ एन आवर में जितना पानी फ्लो हो रहा है हाफ एन आवर में उससे कितना एरिया इरिगेट हो सकता है एक ऐसे फील्ड का जिसका जिसमें ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर पानी जो है वो स्टैंडिंग फॉर्म में है. तो दैट इज अ सेकेंडरी इशू दैट वी हैव टू सी द फील्ड एंड 8 सेंटीमीटर वाटर इन द स्टैंडिंग पोजीशन दैट इज द सेकेंडरी इशू. नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू, हमने सबसे पहले एक बात करनी है कि हम ये देखते हैं कि इस कैनाल में से इन हाफ एन आवर हाउ मच वाटर विल बी फ्लोन. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर आप लिखो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू द रिवर या थ्रू द कैनल in 1 hour is equal to 10 kilometers converted into meters 10,000 meters. 1 hour mein 10,000 meter pani jo hai it's flowing right. So water length of the water flown through the canal in 1 hour hame minutes mein nikalna hai. So that means 60 minutes is equal to 10,000 and in 1 minute this is 10,000 upon 60 and in 30 minutes our question is to find it in 30 minutes that means half an hour. So in 30 minutes the water flown through the river this is equal to 1000 upon 6 into 30. So this is 20,000 meter. So this is the length of the water or you can say the speed of the water with which the water is flowing through the river right. So 1 hour mein 10 kilometers we have converted into meters multiplied by 1000. 60 minutes means this and 1 minute unitary method 30 minute that means 20,000 meters. Right? So, volume of water flown through the river volume of water flown through the river in 30 minutes
इज इक्वल टू, अब हमने वॉल्यूम निकालना है. यू नो व्हेन वी फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए होता है हमारे पास एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई द हाइट, राइट. सो बेस एरिया की अगर हम बात करें तो विड्थ एंड हाइट हमें दी हुई है, दैट इज 6 and 1.5, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगी, सॉरी विड्थ इनटू हाइट हो जाएगी. और लेंथ हम किसको लेते हैं, लेंथ इज द स्प्रेड ऑफ द और द फ्लो ऑफ द वॉटर एंड दैट वी हैव फाइंड टू बी 20,000. दिस इज 6 into 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20,000. So this will be 30 minutes. That is 9 into 20,000. That is this much. एक बार कैलकुलेशन चेक करो, स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स मीटर पर आवर, 1 आवर में इतना. Meter in 1 hour, ठीक है. आवर्स में ही निकाल ली जा रहा है एक्चुअली वो. वैसे ना इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने की कोई आवर्स में हमारे पास है ना, तो हमने हाफ एन 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर. यहाँ पे थोड़ी सी गलती कहीं हुई है हमारे से, 30 मिनट 1 मिनट 30 मिनट, बट अगर हम हाफ एन आवर करें सीधा तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है फिर. यहाँ पे कटिंग गलत की है, फाइव आना था यहाँ पे, ठीक. तो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे 5 एंड दिस इज 5,000, तो इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय 5,000. तो ये बन जाएगा 9 into 5, 45,000. That means volume of the river in 30 minutes is 45,000. ठीक है. So volume of the river in 30 minutes, this is equal to 45,000. Right? It means half an hour में river में से इतना पानी जो है वो flow हो रहा है. This much water is flowed through the river in half an hour. Now the question is, this water is used to irrigate a field. इस पानी का use किया जा रहा है एक field की irrigation. एक ऐसा field जिसमें already 8 centimeter जो पानी है that is in the standing position. इस तरह से पानी घड़ा. 8 centimeter water is already being standing in the river. In the field, and he says that how much area of such field in which 8 centimeter water is already been in the standing position will be irrigated with this much quantity of water. So, अब देखो जो इसका volume आया और जो इस field का volume होएगा, अगर हम उन दोनों को equate कर दें, right? This volume, जब ये पानी इस फील्ड में आएगा तो इट मींस इस फील्ड का वॉल्यूम और इस नदी का वॉल्यूम दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ दैट एरिया वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड एट दिस टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कैनाल दे शुड बी इक्वल, राइट. सो वी आर राइटिंग नाउ एरिया ऑफ इसका वॉल्यूम, अगर फील्ड का निकालना हो, एरिया ऑफ बेस ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई हाइट. मैंने इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया वॉल्यूम का क्योंकि हाइट मेरे पास अलग से दी हुई है. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स. 30 मिनट में अगर इस कैनाल ने इस पानी को फिल करना है, कितने एरिया को वो करेगी, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से जो एरिया आएगा दैट विल बी योर आंसर.
सो एरिया ऑफ द फील्ड हमने ऐसे लिख दिया, दिस वी वॉन्ट, एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर्स एंड वॉल्यूम इज 45,000. सो 8 सेंटीमीटर्स को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में, एरिया ऑफ फील्ड, दिस इज कन्वर्टेड इन टू मीटर्स, 45,000, राइट. सो एरिया ऑफ फील्ड, दिस इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 8/100. सो 100 विल जंप, सो यू विल बी हैविंग 45,000/8/100. इसको सॉल्व करो, यू विल बी गेटिंग 562500 मीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर जो आया मीटर स्क्वायर में. आपसे उसने पूछा आंसर, बस मीटर स्क्वायर में आप दे दो, हेक्टेयर्स में पीछे आंसर दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है. ही इज नॉट आस्किंग द यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट, सो यू कैन लीव इट टू मीटर स्क्वायर. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हेन यू आर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द कैनाल इन हाफ एन आवर, हमने ये जानना था कि हाफ एन आवर में कितना एरिया इरीगेट होगा. तो हाफ एन आवर में जितना पानी उस कैनाल में से फ्लो हुआ, हाफ एन आवर में जितना पानी इसमें जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो हमने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम, फील्ड का वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कैनल करके वहां से फील्ड का एरिया जो है वो फाइंड कर दिया. हाइट ऑफ द फील्ड दैट मीन स्टैंडिंग वाटर कितना था, 8 सेंटीमीटर. एंड अकॉर्डिंगली सी दैट इन क्लास इंचार्ज पीरियड देर आर 27 स्टूडेंट, एंड वट कैन आई इमेजिन इन द अदर पीरियड्स. मतलब यू पीपल लीस्ट बॉदर अबाउट, यस्टरडे आई पुट वन मैसेज इन द ग्रुप, मतलब एवरी टीचर इज कंप्लेनिंग मी, एवरी सब्जेक्ट टीचर, दैट योर क्लास स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस. ठीक है, फिर आपको इंटरनल असेसमेंट उसी हिसाब से मिलेगी. देन आफ्टरवर्ड्स डोंट शाउट कि हमें कम क्यों मिली है इंटरनल असेसमेंट बाकी क्लासेस के कंपेरेटिवली. चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, अ फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल. आपको पता है दिस मंथ ऑल्सो वी हैव मेड द अटेंडेंस रजिस्टर, एंड मैं कहती हूँ 10 बच्चे हमारी क्लास के ऐसे हैं जिनकी अभी भी अटेंडेंस शॉर्ट है, एंड आई हैव वॉर्न्ड देम, पर्सनली कॉल देम, बट दे आर नॉट बोदरिंग एट ऑल. क्वेश्चन नंबर 9, अ फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 20 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank will be filled? ध्यान से सुनो, एक cylindrical tank है field में, एक cylindrical pipe है जिसके through इस tank में जो है वाटर भरा जा रहा है. थ्रू दिस पाइप द टैंक ऑफ द वाटर इट इज टू बी फिल्ड. देखो मैं अब आई कैन टेल यू, सात्विक पता नहीं कितने दिन की इसने क्लास नहीं लगाई, सात्विक हो गया, एंड और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, प्रभृत, वंशिका, नेवर आई सी देम इन द क्लास. सी व्हाट यू पीपल विल डू. दक्ष कितने दिन हो गए एबसेंट है क्लास में से. जयादित्य, हरलीन आज आ गई पता नहीं कहाँ से. ये बच्चे पता नहीं क्यों, मतलब इनके माइंड में है ही नहीं कि हम अपनी क्लासेस लगाएं. पारुल सबसे ज्यादा शॉर्ट अटेंडेंस है इनकी, एंड दे लीस्ट बॉदर अबाउट द क्लासेस. चलिए सो ये जो पाइप है इसका डायामीटर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. डायामीटर ऑफ दिस पाइप इट इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर, एंड the cylindrical tank in which the water is going to be thrown, that is 10 meter in diameter. Iska diameter hamare paas 10 meter hai, and this is 2 meter deep. 2 meter deep hai ye cylindrical tank. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, 1 hour में इस पाइप में से 3 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो पानी बह रहा है. विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द वॉटर इज फ्लोइंग
through the you can say cylindrical pipe. So we want to find that in how much time will the tank will fill. ये टैंक कितने टाइम में जो है वो फिल हो पाएगा थ्रू दिस पाइप. अब एक चीज है, अगर तो हम सारे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें एंड में जो टाइम है वो भी मिनट्स में हमें लाना पड़ेगा. आर्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब एक चीज याद रखो, इस रिवर में से, इस पाइप में से जो पानी बह के इसमें आ रहा है, कितना टाइम लगेगा इस पाइप को, इस टैंक को फिल करने में, ये क्वेश्चन है. सो सबसे पहले वी हैव टू सी कि इस टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी है कितनी. ठीक है, कि इस टैंक को अगर मैं फिल करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू फिल इट अप टू द ब्रिम, पूरा अगर मैं भरना चाहती हूँ, तो इस टैंक में कितनी कितना पानी आ सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करने लगी हूँ. सो हम लिखेंगे मैक्सिमम वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन द टैंक, दैट कैन बी फिल्ड इन द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक एंड दैट इज इक्वल टू पाई. अब इसका डायामीटर हमारे पास 10 है, तो रेडियस 5 होएगी एंड हाइट इज 2. This is pi r square h. So pi की वैल्यू अगर आप ना भी पुट करो तब भी चलेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगी लास्ट में. सो आई एम टेकिंग इट, राइटिंग इट टू बी पाई 5 स्क्वेयर इंटू एच इज 2. इसको इक्वेशन नंबर 1. हमें इतना पता चल गया कि इस टैंक को भरने के लिए इतना पानी चाहिए. दिस मच क्वान्टिटी ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल दिस टैंक. नाउ लेट अस सी कि इस पाइप में से, ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है, ये हम टैंक के बारे में बात कर रहे हैं पहले, जो जिसको हमें फिल करना है. अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल पाइप जिसमें से कि पानी आना है टैंक में. इस सिलेंड्रिकल पाइप का डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इट इंटू मीटर, सो दिस इज 0.1 मीटर, दिस इज द रेडियस. ठीक है, so length of water in one hour, this is equal to 3 kilometers. So length of water in 1 hour, let us convert it into meters, this is 3000 meters. yani ki 3000 meter ki length ke sath, speed ke sath, matlab pani agar aa raha hai 3 kilometers per hour ki, yani ki 3000 meter ek ghante mein pani jo hai wo रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है. चलिए हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. सो 1 आवर में हमारे पास इतना मीटर, 60 मिनट्स, 1 मिनट, मिनट्स में हमें आंसर निकालना है ना. चलो देखते हैं. सो हम लिखेंगे देयरफोर वॉटर फ्लोन थ्रू पाइप इन 1 आवर. क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला इस पाइप का? अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, मेरे पास हाइट लेंथ नहीं है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट वही बनेगा, वैसे सिलेंड्रिकल पाइप है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सो आई एम राइटिंग एरिया ऑफ द बेस इनटू एच. सो पाई को ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर मींस 0.1 का स्क्वायर, एच मींस 3000. ये हमारे पास एच की वैल्यू आएगी. ठीक है, चलिए. नाउ इतना पानी जो है पाइप में से निकलता है 1 आवर में. ठीक है, और इतनी कैपेसिटी है इस टैंक की, और हमें निकालना है कि कितना टाइम, कितने मिनट्स लगेंगे
इस पाइप को, इस टैंक को फिल करने में। हम आवर्स में आंसर निकालते हैं, बाद में उसको मिनट्स में चेंज कर लेंगे। 1 आवर 60 मिनट अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड। अभी आवर्स में ही रहने दो उसको, पर कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम यहीं पे 60 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स करके, 60 मिनट्स का ये डाटा हमारे पास है, तो इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करें तो यूनिटरी मेथड से पाई 0.1 स्क्वेयर डिवाइड बाय 60 00, दैट इज 50। ये आएगा 1 मिनट में इतना पानी जो है पाइप में से फ्लो हो रहा है, और टैंक में डालने के लिए इतना पानी चाहिए, ओनली देन टैंक विल बी फिल्ड। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है टैंक की, और ये पानी 1 मिनट में इतना जो है पाइप में से बह रहा है। हमें निकालना है कितने मिनट्स लगेंगे इस पाइप को, इस टैंक को फिल करने के लिए। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट टी मिनट्स भी टेकन टू फिल द टैंक। टी मिनट्स भी टेकन टू फिल द टैंक, टी मिनट्स लग रहे हैं हम ये कह रहे हैं। इसका मतलब जो टी मिनट्स में इस पाइप में से पानी आएगा, अगर 1 मिनट में इतना है तो टी मिनट में कितना हुआ, पाई इंटू 0.1 स्क्वेयर इंटू 50 इंटू टी। टी मिनट में जितना पानी पाइप में से आया, अगर टी मिनट में ये पाइप सिलेंड्रिकल टैंक को पूरा फिल कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। ये स्टेप समझ लो, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में पूरे क्वेश्चन का जो जिस्ट है, जो आप कह सकते हो पॉइंट है, वो छुपा हुआ है। इसको अच्छे से देख लो। राइट, नाउ वी विल डू कैलकुलेशंस। पाई पाई गेट कैंसिल्ड, सो दिस इज 0.1 स्क्वेयर इंटू 50 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू टू। सो टी इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.1 इंटू 50। सो इसको अगर हम कटिंग करें, 50, 0.1 स्क्वेयर है ये। सो टी इज इक्वल टू 1/0.01, डेसिमल हटा, ऊपर 100 लग गया नीचे 1, सो टी इज इक्वल टू 100 मिनट्स। दिस इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी 10 मिनट रह गए हैं पीरियड खत्म होने में, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर एंटरिंग राइट नाउ। मतलब आप लोगों से उठा नहीं जाता, इतने आप लोग लेथार्जिक हो गए हो। वेरी सून दिस ऑफलाइन स्कूल विल बी देयर, देन व्हाट यू विल डू, तब क्या करोगे आप? दोज वर द डेज वेन द इंस्ट्रक्शंस वर लाइक दिस, दैट इफ ए स्टूडेंट इज गेटिंग एबसेंट फ्रॉम द स्कूल कंसेक्यूटिवली 5 to 6 days, हिज नेम विल बी मतलब डिस्कार्डेड, हिज नेम विल बी कट फ्रॉम द रजिस्टर अंटिल और अनलेस ही इज नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। एंड नाउ इट इज आई कैन सी दैट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आर मिसिंग देयर क्लासेस फॉर मतलब 10 to 15 days। नो एप्लीकेशन साइन बाय मैम प्रिंसिपल, नथिंग। मतलब इतना आप लोगों का हो गया, आपने इसी स्कूल में आके पेपर देने हैं, यही के टीचर्स ने आपको इंटरनल असेसमेंट आपके देनी है, और दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर शोइंग। सी बस इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने एक चीज याद रखनी है, दो चीजें होंगी, एक होगी सिलेंड्रिकल पाइप और दूसरा कुछ भी हो सकता है। इस बार सिलेंड्रिकल टैंक था, क्यूबिकल टैंक भी हो सकता है। आपने सिर्फ उस सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करना है पहले, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, और इधर आपने जो जिस टैंक को भी फिल करना है, कोई भी शेप हो सकती है टैंक की, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना। दोनों के वॉल्यूम्स आपके पास आ गए, सिलेंड्रिकल टैंक का भी एंड पाइप का भी, राइट। एंड आपने देखा कि इधर वाला जो वॉल्यूम हमारे पास टैंक का था वो मीटर्स में है, और इधर वाला वॉल्यूम इसलिए हमने सारा मीटर्स में निकाल लिया। तो क्योंकि आंसर हमने मिनट्स में निकालना था, इसलिए मैंने पाइप का जो वॉल्यूम है वो आवर्स में से करते करते मिनट में निकाल लिया।
ठीक है। अब जब आपके पास पाइप का यूनिटरी मेथड से 1 मिनट का वॉल्यूम आ चुका है और जिस टैंक में पानी डालना है उसका वॉल्यूम आ चुका है, तो आप लेट कर लो कि टी मिनट्स मान लो लग रहे हैं पाइप को टैंक फिल करने में। इसका मतलब टी मिनट्स में पाइप में से जो पानी फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक ड्यू टू द अजम्पशन दैट द पाइप इज टेकिंग टी मिनट्स टू फिल द टैंक, राइट। बस एक चीज बच्चों को यहाँ पे मुश्किल लगती है, जो मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से एक पेपर चेकिंग करके हमने जो नोटिस किया कि ये जो पाइप का वॉल्यूम जब बच्चे निकालते हैं तो यहाँ पे उनको रेडियस तो साफ नजर आ रहा होता है, बट जो लेंथ है, जो हाइट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 आपके सामने निकाली थी, वो बच्चों को मुश्किल होती है। दैट इज फाउंड 50 नहीं 3000 जितनी भी आई थी, दैट इज फाउंड यूजिंग द लेंथ यूजिंग द स्पीड ऑफ द वॉटर। स्पीड ऑफ द वॉटर किस स्पीड के साथ पानी पाइप में से बह रहा था? 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। वही हम उस सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ लेंगे, राइट। वैसे तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट है, लेंथ है, पर अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते कि हम हाइट जो है, लेंथ जो है, एच जो है, वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। कहाँ से? जो उसकी स्पीड दी हुई 3 किलोमीटर थी, मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया, 1 आर को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया, स्पीड आएगी वो आपकी लेंथ बनेगी। पाइप के केस में रेडियस आपको पाइप की दी हुई है, उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक इन विच द वॉटर इज गोइंग टू बी पुट। अब ये टैंक क्यूबॉइडल होता तो हम एल इंटू बी इंटू एच लगा देते, ये टैंक अगर कोनिकल होता तो हम 1/3 πr² एच लगा देते, ये टैंक अगर स्फेरिकल होता तो हम 4/3 πr³ लगा देते। सिर्फ इस पाइप के वॉल्यूम को टैंक के वॉल्यूम के इक्वेट करना ही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा की पॉइंट है, दैट हाउ यू आर इक्वेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द पाइप इन पर्टिकुलर टाइम इन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक विच इज गोइंग टू बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ द पाइप। और यूनिट्स का ध्यान रखते हुए कि अगर इधर सारी डायमेंशंस मीटर में है तो इसकी डायमेंशंस भी मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन एवरी बुक, राइट। सो यू कैन रियलाइज कल से अगर यू पीपल आर नॉट कमिंग वेल इन टाइम इन द क्लास, दैट मीन्स चलो मैं 2 मिनट का रख लेती हूँ, 9:02 पे अगर आप नहीं एंटर करते मैंने मीटिंग लॉक कर देनी है कल से। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी पंक्चुअल इन माई क्लास। इट डजेंट मीन दैट 5 मिनट्स आर लेफ्ट एंड यू आर एंटरिंग लाइक यू जस्ट हैव टू मार्क योर अटेंडेंस, नो, ये ड्रामा नहीं होगा। बी वेरी पंक्चुअल, गेट वेल इन टाइम and you should be ready that at 9:00 my class is there, I have to sit. चलिए, so next जो हमारा topic है frustum of the cone, that's been deleted from your syllabus, so let us now start with exercise 13.5, that is your optional exercise. Optional exercise 13.5. First question I'm going to start with. Copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter is 10 centimeter. There is a cylinder with the diameter as 10 centimeters and length as 12 centimeters. Diameter 10 centimeters and length as 12 centimeters. This cylinder is to be, you can say, covered by a copper wire, or you can say in as the language of the book that copper wire is going to be wound all around this cylinder. Is pure cylindrical object ke around copper wire ko lapetna hai. Dusri hamare paas dimensions hai copper wire ki, iski baat kare to diameter 10 centimeter, to radius 5 centimeter and height is 12 centimeter. This is the cylindrical object around which the copper wire is to be, you can say, wound.
तो दूसरी बात करते हैं हम कॉपर वायर की, जिसको हमने लपेटना है, कॉपर वायर। कॉपर वायर की अगर बात करें तो इट इज हैविंग 3 mm एज डायामीटर। सो इसकी जो हमारे पास लेंथ है कॉपर वायर की, दैट इज गिवन टू बी, डायामीटर जो है कॉपर वायर का, दैट इज गिवन टू बी 3 mm। सो हम लिखने लगे हैं यहाँ पे डी डायामीटर, दिस इज 3 mm। सो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 3/10 सेंटीमीटर, एमएम को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इसका रेडियस अगर हम निकालें कैपिटल आर, दिस विल बी 3/20 सेंटीमीटर। तो ये जो दो चीजें हैं मैंने उनकी डायमेंशंस को पहले फाइनल कर लिया कि जो सिलेंडर है जिसके अराउंड वायर को लपेटा जाना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। सेकेंड, जो वायर है जिसको लपेटा जाना है उसका डायामीटर हमें एमएम में दिया हुआ था, एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू सेंटीमीटर, एंड थ्रू दैट आई एम फाइंडिंग द रेडियस। वहां से हमारे पास रेडियस आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें फाइंड क्या करना है, लेट अस सी। फाइंड द लेंथ एंड द मास ऑफ द वायर, फाइंड द लेंथ एंड द मास ऑफ द वायर एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ द कॉपर दैट इज बीइंग यूज्ड इज 8.88 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड टू थिंग्स, वन इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर विच विल बी यूज फॉर दिस पर्पस, एंड सेकेंड इज द मास ऑफ द वायर। दीज टू थिंग्स यू नीड टू कैलकुलेट, लेंथ ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, लेंथ जो है इस वायर की, मास की हम बाद में बात करते हैं, डेंसिटी दी हुई है तो मास नेचुरली वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आएगा, विल टॉक इट लेटर। बट व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर, एक वायर को अगर हम सिलेंडर के आसपास लपेटना शुरू कर दें तो एक चक्कर में कितनी वायर लिपटेगी, एनी वन, इन वन राउंड हाउ मच वायर इज नीडेड टू कवर वन राउंड ऑफ द सिलेंडर, बता सकता है कोई, एक राउंड में कितनी वायर यूज होगी, एनीवन? राघव सधाना, राघव अरोड़ा, कम फॉरवर्ड, सजल, यशित, आफ्टर सो मेनी डेज यू आर इन द क्लास, सो मेनी टीचर्स आर कंप्लेनिंग दे वर मिसिंग यू, दैट यशित इज नॉट देयर इन द क्लास, मतलब we are giving such material to our student that they should be ready for board exam, and see our toppers are not there ready to listen. Yes Ashima, ma'am jitni ek circle ki circumference hogi, bilkul jab hum is cylinder ke aas paas wire ko lapetenge to ek round mein jitna iske base ka circumference hoga utni hi wire. Ashima, you also got absent frequently and that's why your lectures are very short. So I warned you in the earlier month that don't be non-serious, but the same thing is there. So अब ये यहाँ पे मैंने 33 students total देखे हैं आज, और मेरे को बाकी की classes में ये 33 students मैंने सबसे ज्यादा attendance पूछनी है from each and every teacher. So attend your classes.